वेलकम टू टेली एक्सप्रेस। वेल दोस्तों, यहाँ पे आपको स्टार प्लस सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है से जुड़े सभी लेटेस्ट अपडेट्स हम आप तक सबसे पहले पहुँचाते हैं। वेल, हाल ही में आए हुए लेटेस्ट अपडेट की माने तो अब यहाँ पर पार्थ और अभिमन्यु का आमना सामना होने वाला है, जिसके बाद पार्थ उसे बताएगा कि तेरे ऊपर जो झूठा फ्रॉड का इल्ज़ाम लगा था वो मैंने नहीं बल्कि किसी और ने लगवाया है, किसी ऐसे ने जिसका नाम अगर तूने सुन लिया तो तेरे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। अब ऐसे में दोस्तों अभिमन्यु का गुस्सा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि एक बार फिर से अभिमन्यु और अक्षरा एक नहीं हो पाए। अभिमन्यु तड़प रहा है अक्षरा का होने के लिए। अभिमन्यु जेल के अंदर बैठकर भी सिर्फ यही सोच रहा है कि एक बार फिर से मैं और अक्षरा एक नहीं हो पाए। ऐसे में जब वो जेल से बाहर आता है और उसे पार्थ बताता है कि ये सब कुछ उसने नहीं किया है, उससे करवाया गया है, तो पार्थ का जो गुस्सा, पार्थ पर जितना भी गुस्सा अभिमन्यु को आया हुआ था, वो अब चला जाता है उस इंसान पर जिसने ये सब कुछ करवाया है, और वो और कोई नहीं बल्कि उसकी सगी माँ होती है। पार्थ उसे बताता है कि तुम्हारी माँ ने ही मुझसे कहा था कि ये चेक को लेकर मैं तुझ पर इल्ज़ाम लगाऊँ, चैरिटी फंड्स के लिए तूने जो फ्रॉड किया है ये सारा साइन उन्होंने खुद किया है, और सिर्फ तुझे फंसाने के लिए, तेरी शादी रोकने के लिए मुझसे उन्होंने ये सब कुछ करवाया है। ये सुनकर अभिमन्यु को बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता कि एक माँ अपने बेटे की शादी रुकवाने के लिए इस हद तक गिर सकती है, लेकिन सच आखिर यही होता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि अभिमन्यु जैसे ही गोयनका हाउस आता है तो वो अक्षरा को ये कहते हुए सुन लेता है कि अभिमन्यु जेल से बाहर आ गया है, लेकिन उसे मंजरी की सच्चाई नहीं पता चलनी चाहिए, उसका दिल टूट जाएगा। ये सुनने के बाद अक्षरा को तो वो कुछ नहीं कहता, लेकिन चुपचाप बिरला हाउस चला जाता है, और वहाँ जाकर अभिमन्यु जो करता है उसके बारे में किसी ने भी नहीं सोचा होता। अभिमन्यु बिरला हाउस पहुंचता है, जहां उसकी माँ उसके सामने एक बार फिर से नौटंकी कर रही होती है कि उसे अभिमन्यु की कितनी ज़्यादा फिक्र है, लेकिन अभिमन्यु पूरे तरीके से टूटा हुआ उनकी तरफ देख रहा होता है। अभिमन्यु सीधा अपने रूम में जाता है और अपनी एक तस्वीर लेकर आता है और अपनी माँ के हाथों में पकड़ा देता है। थोड़ी दूरी पर मंदिर में एक माला रखी होती है और उस माला को लाकर वो अपनी फ़ोटो पे चढ़ाता है और उस फोटो को दीवार पे लगाने लगता है। ये देखकर मंजरी हैरान हो जाती है और वो अभिमन्यु पर चिल्लाती है। तब अभिमन्यु एकदम शांत होकर सिर्फ इतना कहता है कि माँ, आज से, अभी से आपका बेटा आपके लिए मर चुका है। जो तस्वीर यहाँ मैंने लगाई है, यही ऐसी ही तस्वीर मैं अपने दूसरे घर पर लगाऊंगा, वो भी आपकी। इसके बाद मुझे आपसे कोई रिश्ता नहीं रखना। मुझे नहीं लगता कि कोई भी माँ ऐसी हो सकती है और इस हद तक गिर सकती है। आप माँ कहलाने के लायक नहीं है। मैं ऐसा नहीं कहना चाहता था, लेकिन आपने जो कुछ किया है उसके बाद ये कहना मेरी मजबूरी हो गई है। दोस्तों, ये सुनकर मंजरी के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है कि आखिर ये सब कुछ क्या हो गया। वेल, आप क्या कहेंगे, अभिमन्यु ने जो कुछ भी किया वो सही था या फिर नहीं? अब इसके आगे कहानी किस ओर मोड़ लेगी, आप हमें अपने व्यूज कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल भी ना भूलें।